सामान्य से दिखने वाली को अपने हाथों के हुनर से असामान्य स्वरूप देने वाले की मेहनत खुद मिट्टी में मिलती जा रही है। दिए से लेकर घरों में पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति इन्हीं के हाथों से गढ़कर आती थी। नई तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कुम्हारों का अस्तित्व कहीं खोता जा रहा है। दीपावली का समय कुम्हारों के लिए कभी स्वर्णिम समय हुआ करता था, लेकिन भारतीय बाजार में चाइनीज सामानों ने ऐसी सेंध लगाई कि कुम्हारों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। आधुनिकता के दौर में परंपराएं भी पीछे छूटने लगी हैं। शहर में अब गिने चुने कुम्हार ही बचे हैं। कुम्हारों के नाम पर रखे गए वार्ड में करीब 70 परिवार कुम्हार समुदाय से हैं, जिनके चाक की रफ्तार भी अब धीरे धीरे थमने लगी है। जो आज भी मिट्टी का आकार बदलकर अपने परिवार की जिंदगी बदलने की जद्दोजहद में लगे हैं। चालीस साल तक हो रहा है। आपके दादा परदादा? वो तो बहुत वो भी 50-60 साल से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। पिताजी को वो उसका वो पिताजी सीखा, मेरा पिताजी मेरे को सीखा। अच्छा। वही दीपावली में बिक्री थोड़ा थोड़ा होता है। अभी झालर आ रहे थे, अभी दिया उतना नहीं ले जाते, कुछ कुछ बम बत्ती भी जलाते है। 20,000 का होगा हर साल। तो इस साल कितने का बनाया? सर ज्यादा नहीं, 10,000 का होगा। तो दादा पर दादा से करते आ रहे हैं, लेकिन दिया का सीजन आता है तो कुछ लोग नहीं बनाते हैं, वो भी बना लेते हैं। झालर आने से कम बहुत ही फर्क पड़ता है उस। कभी दिवाली पर मिट्टी के दिए से रोशन होने वाले घर चाइनीज बल्बों व झालरों से सजाए जाने लगे हैं। इससे मिट्टी के दिए से दूसरों के घरों को रोशन करने वाले कुम्हारों के खुद की जिंदगी अंधेरे में गुम होने लगी है।